पुराने पेंशन बहाली सहित 12 सूत्री मांगों को लेकर कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद जनपद इकाई द्वारा नगर निगम स्थित रानी लक्ष्मीबाई पार्क में एक मशाल जुलूस निकाला गया, जिसका नेतृत्व करते हुए मोर्चा के सचिव दुर्ग विजय ने कहा कि सरकार शिक्षक कर्मचारियों को पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करते हुए सभी मांगों को पूरा करे। उन्होंने कहा कि अगर सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो 9 दिसंबर को कार्य बहिष्कार किया जाएगा। इस मौके पर आरडी चतुर्वेदी, सफीजमा, मीरा पासवान, सोनबाला, शैलेश भारती, शेष कुमार चौधरी, ऋषिकेश पांडे, नंदलाल, गीतांजलि मौर्य सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राज्य कर्मचारी संयुक्त मोर्चा जनपद इकाई के जिला अध्यक्ष व मोर्चा के सचिव दुर्ग विजय ने कहा, पेंशन बहाल करो, पेंशन बहाल करो, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांग पूरी हो, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांग पूरी हो, जिला अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद गोरखपुर। मशाल जुलूस आज मैं 12 सूत्री मांगों को लेकर के कर्मचारी शिक्षक मोर्चे के तहत आज ये कार्यक्रम रानी लक्ष्मीबाई पार्क से होकर के गणेश चौराहा होते हुए, रानी लक्ष्मीबाई पार्क से गणेश चौराहा, गणेश चौराहे से इंदिरा बाल विहार होते हुए माननीय जिलाधिकारी महोदय कार्यालय पर पहुँचे हैं। उसके बाद मैं माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय जिलाधिकारी महोदय के यहाँ से ज्ञापन देंगे। और 12 सूत्री मांगों में जैसे पुरानी पेंशन व्यवस्था हमारी महत्वपूर्ण और मुख्य मांग है, और मेरा सरकार से अपील भी है कि ऐसे ऐसे मुद्दे आपके द्वारा समाधान किया गया है, क्योंकि आप भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं। मैं बारंबार निवेदन कर रहा हूं आपके माध्यम से कि आप किसानों जैसे मुद्दे का समाधान अगर हो सकता है, 370 जैसे धाराओं को अगर समाधान किया जा सकता है, मंदिर मस्जिद जैसे मुद्दों का समाधान हो सकता है, तो कर्मचारी तो आपके अंग हैं। एक ग्राम सभा से लेकर के और देश के विकास में उनकी अहम भूमिका रहती है। तो मेरा निवेदन है आज कर्मचारी शिक्षक मोर्चे के माध्यम से आज इस जुलूस कार्यक्रम चलाया जा रहा है, अगर हमारी सरकार इस मांगों को विचार 9 दिसंबर के अंदर नहीं करती है तो 9 दिसंबर के बाद हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे।